मृत्युम छिंद बिंद अतुकामं छिन्न बलिकामं छिन्न क्रोधम छिन्न वायुदाग्न सशत्रुम सर्वघ्न छिन्न बिंद सर्राज चोर दुष्ट भज मृगभयम छिन्न सर्वा परगातम छ सर्वरोगम छिन्न सन्न रगाश्य मारिम छिन्न सर्वाश्य मार धान्य भगजम छिन्न बिंद सर्वा शिष्य मारिम छिन्न वृक्ष कल पत्र पुष्प मारिम छिन्न सर्व फल राष्ट्र देश मारिम छिन्न बिंद भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशीर्घ शांतिनाथ शांति पाप चतुर्पक्षा स्नायुंदीनाश सर्व शांतिम कुरुकुरो तुष्टिम कुरुकुरो रिद्धिम कुरुकुरो सिद्धिम कुरुकुरो समृद्धिम कुरु सर्व आरोग्य वृद्धिम कुरुकुरो रीम बशट नमः स्वाहा। ओम रीम नमो रिहंतानम ओम रीम नमो सिद्धानम ओम रूम रूम नमो आयरियानम ओम रूम नमो वज्जायन ओम र नमो लोहे सोसानम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। ओम रीम नमो अरिहंतानम सिद्धानम सूरिनम वज्जायनम सावनम मम रिद्धि वृद्धि समायतम कुरुकुरो स्वाहा। ओम रीम नमो अरिहंतानम सिद्धानम सूरिनम वज्जायनम सावनम मम रिद्धि वृद्धि समायतम कुरुकुरो स्वाहा। ओम रीम नमो अरिहंतानम सिद्धानम सूरिनम वज्जायनम सावनम मम रिद्धि वृद्धि समायतम कुरुकुरो स्वाहा। ओम रीम नमो अरियंतानम सिद्धानम सूर्य नमो जायनम सावनम मम रिद्धि वृद्धि समायतम कुरुकुरो स्वाहा। आइए कुछ ही क्षणों में आप सबके नाम पर शांति धारा कर लेते हैं। आप जो भी झूम के अंदर रहते हैं उन सभी महानुभाव के नाम पर शुभ प्रभात के टाइम पर जो है शांति धारा कर लेते। और आप लोग कल का जरूर एक ध्यान रखना है, कल जो है गुरु पुष्यामृत नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र बहुत प्रभावशाली रहता है और उसमें गुरुवार और रविवार अगर मिल जाता है तो उससे बलवान कोई मुहूर्त नहीं होता है। और शुभ मुहूर्त पर अपने घरों में शांति धारा सुनना और शांति धारा करना उससे बड़ा पुण्य है और उससे बड़ा शुभ कार्य, उससे बड़ा जो है आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जैसे शेरों में अपने जंगलों में राजा सिंह होता है, गणतंत्र में सबसे बड़ा पावरफुल अगर पद होता है तो प्रधानमंत्री का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है। इसी प्रकार गिरियों में सबसे ऊंचा गिरी हिमालय है, तीर्थों में सब में शिखर है, वैसे ही 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र पुष नक्षत्र। पुष नक्षत्र की महिमा बताते हुए कहा है के शास्त्रों के अंदर उसमें किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता है, उसके में किया हुआ मुहूर्त के कार्य में किया हुआ आपके कार्य निरंतर प्रगतिशील होते हैं। तो आइए मैं स्वप्न वो मुहूर्त का और कभी कई बार बता चुका हूं और कभी बता दूंगा, परंतु अभी हमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वस्तु हम आपको ये बता रहे हैं। स्वप्नों के बारे में बता रहे थे कल। स्वप्नों का अध्ययन जो है आचार्य भद्रबाहु ने 26वां अध्याय के अंदर संपूर्ण रूप से बहुत विशेष और व्याख्या किया है। और स्वप्नों का प्रकृति के अनुसार भी स्वप्न पड़ते हैं। बहुत सुंदर यहां बात कही है, जैसे जैसे प्रकृति रहती है वैसे 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 स्वभाव के अनुसार भी जो है हमारे स्वप्न पड़ते हैं और तिथि के अनुसार जो है उसका फल और अशुभ भी माना जाता है। आचार्य ने कहा है जलम गृहम जलम जलरूहम धान्यम सदलोप भोज भाजनम मणि मुक्ता प्रवालस्य सपनम पश्यन्ति से स्मितः। जिनके कप प्रकृति है, छाते में कप भरा रहता है, बार बार सर्दी जुखाम खांसी आदि जिनकी सदा रहती है वो कप प्रकृति वाले रहते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तप आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार, जिनके कप प्रकृति है और कप प्रकृति वाले जो सपने देखे जाते वो देखते ज्यादातर 80% सपना वो क्या देखते, मनी है, मोती है, रत्न है, वैडूर है, धान्य है, पत्र है, जल है, ये चीजें ज्यादा देखते, इसके संबंधित वस्तुएं ज्यादा सपने में वो लोग देखते हैं जिनके कप प्रकृति है। और जिनके वात प्रकृति है, वायु जिनका जिनका रहता है, वायु का कप का प्रकृति का सर्दी जुकाम लक्षण रहता है, और कप वायु प्रकृति वाला का हाथ पैर दुखना आदि जैसे रोग होते हैं, वैसे सपने भी उसी प्रकार के देखते। आचार्य कहते, च्यवनम प्लवनम यानम पर्वत्यम ध्रुवम गहम आरोहन्ति नरा स्वप्ने वातिकाम पच्छगामिनः। जो व्यक्ति वात प्रकृति वाला रहता है वो पानी में तैरना ज्यादा देखता है, समुद्र में ज्यादा गोथा लगाना आदि सपने देखता है, सवारी चढ़ना, पर्वत के ऊपर चढ़ना, वृक्ष के ऊपर चढ़ना, मंदिरों पर चढ़ना, ये वस्तुओं को स्वप्न अधिक देखता है, पानी में तैरना, पानी में नाव में जाना इत्यादि, जो हवा जहां जिसमें ज्यादा लगे वैसे स्वप्न ज्यादा देखता है, जिसमें बॉडी को हवा का टच ज्यादा से ज्यादा हो सके वैसे सपने जो है, जो वात प्रकृति वाले हैं वे सपने ज्यादा देखते हैं। इसी प्रकार जिनके पित्त प्रकृति है, उष्णता है, जिनके देह के अंदर उष्णता है, वे लोग कैसे सपने देखते। आचार्य कहते, रक्त पीतानि द्रव्याणि याने पुष्टानि अग्नि संभवान तस्योपकरणं विद्वात् स्वप्ने पश्यन्ति पैतिकः। आभूषण सोना चांदी दागिना और अनेक प्रकार अहंकार भूषण, ये सारे चीजें जो है सपने में वो लोग देखते हैं। तो माता ने जो 16 सपने भगवान महावीर का, मैं विशेष व्याख्या कर रहा हूं, बहुत टाइम है इसलिए सपने की बात आई तो इसी संदर्भ में एक दो बातें जो है आपके सपने के बारे में समझाने की भावना हुई। और ध्यान रखिए, ये सपने मिथ्या भी होते और सत्य भी होते हैं। अभी समय कितना हुआ, मैं आज शायद आज वो प्रकरण नहीं आ पाएगा, कल आपको जरूर बताऊंगा कौन से सपने सत्य होते और कौन से सपने मिथ्या होते हैं, और कौन से तिथि को देखने के बाद शुभ होते, कौन से तिथि देखने के बाद अशुभ होते, और कौन से तिथि देखने के बाद मिथ्या होते। स्वप्न 3 प्रकार के होते, स्वप्न जो है 3 प्रकार के होते, एक स्वप्न सत्य स्वप्न, एक स्वप्न विफल स्वप्न, उसका कोई अर्थ नहीं होता, विफल हो जाते उसका कोई अर्थ नहीं होता है, निष्क्रिय हो जाते, और एक स्वप्न विलंब स्वप्न, सपना सफल मिलता है तो विलंब से मिलता है। अब आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि स्वप्न देखने के बाद, अशुभ स्वप्न देखने के बाद क्या करे, शुभ स्वप्न देखने के बाद क्या करे, और अशुभ स्वप्न देखने के बाद हम लोग आगे की विधियां क्या करे, शुभ करने के बाद क्या करें, इन चीजों पर भी चर्चा जो है जरूर करूंगा। अब जो माता ने जो 16 सपने देखे, त्रिशला माता ने जिसमें देखा श्वेत हाथी, ध्यान रखिए यहां सपनों में श्वेत हाथी देखना शुभ है और काला हाथी देखना अशुभ माना है। देखिए लिखा है, प्रसादम कुंजराह नृपो भवेत, क्या लिखा है, प्रसादम कुंजरा वाहनम सागरम विशेषता तेवं च विक्रेते तस्यो नीचो प्रभो भवेत। श्रेष्ठ हाथी पर चढ़कर महल आदि में प्रवेश, सपने में हाथी आदि देखना नीच नर पर होता है, यानी नीच राजा होता है। पर आगे क्या लिखते हैं, पुष्कराणाम चतुष्याम पुंजानाम साली भोजनम श्वेत गजा समारूढ़ च राजाम अचितम भवेत। जो श्वेत हाथी को देखता है वो श्रेष्ठ राजा होता है। हाथियों में भी डिफरेंस है, इसलिए जो है माता ने जो 16 सपने देखे उसमें हाथी जो देखा है वह हाथी जो है श्वेत हाथी देखा है, काला हाथी नहीं देखा। हाथी में भी डिफरेंस आएगा,
वस्तु वस्तु में डिफरेंस आता है। उंगलियां सेम है, अगर मैं ऐसा करूंगा उसका अर्थ अलग होता है, ऐसा करूंगा अर्थ अलग होता है, और ऐसा करूंगा अर्थ अलग हो, उंगलियां उंगली इशारों में डिफरेंस आता है। ऐसे ही जो है आपके सपने जो आपको दिखते हैं, वो सपने के एक होने के बाद भी संकेत अलग अलग होते हैं, उसके इशारा अलग अलग। और ध्यान रखना ये सपने ज्योतिष का ही अंग है, और ज्योतिष को अगर आप मिथ्या कहोगे या स्वप्न को ज्योतिष को मानने वाले मिथ्या दृष्टि कहोगे, तो आगम को बात को मिथ्या कहने वाला खुद मिथ्या दृष्टि होता है, और कहने की जरूरत ही नहीं। बताइए 24 तीर्थंकर के माता ये सारे सपने देखते क्या नहीं, उसको सत्य स्वीकारा क्या नहीं? जब सत्य को स्वीकारा है तो सपनों को सत्य, माता के स्वप्न सत्य हो सकते, तो आपके स्वप्न क्यों नहीं सत्य हो सकते? तो आगम में है तो उसको स्वीकारते हो और बाकी को अशुभ मानते हो, तो यही मिथ्यात्व है। तो कहने का तात्पर्य यह है, और कई लोग बोलते हैं बहुत सारे सपने देखते, सपना सबका आता है, और मैंने इसलिए कहा स्वप्न स्वप्नों में अंतर रहता है, समय समय में अंतर रहता है, देखना देखने में अंतर रहता है, इसलिए क्या स्वप्न जो है अलग अलग होता है। अभी बताया महत्व की बातें, स्वप्नों में और हकीकत में दोनों अंतर समझना है आपको। जो स्वप्न दिन में जो चर्या में रहता है उसका उल्टा होना चाहिए। अगर आपको उदाहरण दूं, आपको मल मूत्र आदि अगर दिन में अगर आप कहीं देख लेते या लग जाता है तो अशुभ माना जाता है, परंतु सपनों में उसको शुभ माना है। सपनों के अंदर उसको शुभ माना है, और देखिए लिखा है पेज नंबर 432 12 नंबर श्लोक के अंदर आचार्य भद्रभाव स्वामी लिखते हैं, अध्याय नंबर 26, शेष मूत्रम पुरुषाणिं च स्वप्ने च विस्कृति राजबलम राजफलम वापे च सुरुंच परंतरः। स्वप्न में श्वेत वर्ण के मल मूत्र आदि को इधर उधर खींचता हुआ देखना राज्य फल को प्राप्त करता है, शीघ्र राज्य फल को प्राप्त करता है। अगर वही अगर अगर आप प्रकृति नॉर्मल अवस्था में करते तो आपको नहाना धोना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य अपोजिट होता है, और भी मतलब श्लोक नहीं बताऊंगा। अगर आप नॉर्मली भोजन करते हो तो आपको आरोग्य वर्धक, एनर्जी वर्धक और जीवन वर्धक होता है आहार भोजन, परंतु वही अगर रात को अगर खाना खाते हो सपनों में, सपन में खाना खाते हो तो आपके रोग कारक माना है। सपनों में खाना आपके लिए हेल्थ का घंटी बजा रहा है समझिए, आरोग्य आपको खराब करने वाला है समझिए निश्चित रूपेण। तो इसलिए आचार्य ने कहा दिन में दान देना पुण्य कारक माना है, दान देना जैसे पितर आदि दान देना या धन धान्य का दान देना शुभ कारक बना, परंतु स्वप्नों में दान देना अशुभ कारक माना, मृत्यु कारक माना। देखिए कहा है तपुम शिष्यम रज्जु मानकम माक्षिकम मधु यस्मिन् स्वप्ने प्रेरयन्ति मरणम तस्य ध्रुवम भवेत्। जो व्यक्ति स्वप्न में शीशा रागा जास्ता पीतल रज्जु सिक्का यानी रुपया मधु का दान करता है या देखता है, दान करता हुआ देखता है, उसका मरण निश्चितम ध्रुवम निश्चितम मरणम तस्य, क्या कहा मरणम तस्यम ध्रुवम भवेत, उसका मृत्यु निश्चित अब होने वाला समझिए। परंतु वो भी रोग रहित देह होना चाहिए, वो भी क्या है पक्षों का मैं कल बताऊंगा, समय हो चुका है, कल आपको बताऊंगा कौन से पक्ष कौन से तिथि में शुभ अशुभ होते हैं, वो कल दिखाऊंगा। तो आपको इतना ही समझना कि कुछ जो प्रकृति में रहता है, मैंने एक बार सपने देखा था, मैं अनिंदा पार्श्वनाथ में 94 के अंत की बात है, मैं थोड़ा सा सोया हुआ था, लगभग
3 बजा होगा, मैं उस टाइम पर 5 बजे उठता था, अभी तो 3 बजे उठता हूँ, तब 5 बजे उठा, 5 बजे उठ रहा था। उसके पूर्व भी मैं सपने देखा, एक सांप आया बड़ा भयानक, भगवान पार्श्वनाथ का अनिंदा पार्श्वनाथ है ना, वो अनिंदा पार्श्वनाथ के रूम के पीछे, जस्ट पीछे वहां एक रूम है, अब है कि नहीं पता नहीं, वो पीछे एक रूम है और वहां मेरा निवास था। मैं उस टाइम को उपाय दे था, और उसके बाद वहां पार्श्वनाथ के मंदिर से एक सब नाग आया, और नाग आकर के मेरे अंगूठे के बाजू वाले अंगूठे में डसा, और डसा मैं तुरंत, मेरा आंख खुली, और खुलने के बाद सामयिक बैठा, और सामयिक बैठने के बाद मुझे पता ही नहीं था, और वहां पंच कल्याण पूजा था, चल रहा था, और मेरा थोड़ा सा जाप तप में पूजा में, वहाँ सुबह सुबह जो 6-7 बजे कार्यक्रम हो रहा था, और मैं अपने रूम में ही थोड़ा सा लिखाई कौन सा एक मुक्तक के झंकारे पुस्तक लिख रहा था, उसमें ही बिजी था, और वहां से अलॉसमेंट होता है, महाराज को बुला ले आओ, मेरे को बुलाने इंद्र आदि आए, और गुरुदेव आचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने बुलाया। अभी अचानक क्यों बुला रहे, क्योंकि मेरा दोपहर को जाता था मैं हमेशा स्टेज में, अभी सुबह से को क्यों जा बुला रहे, क्या हो गया? तो गया स्टेज के अंदर, सिंहासन रखा था, और मेरे और पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी को एक ही सिंहासन बैठा करके आचार्य पधार उनका उन्होंने संस्कार किया। पहले पूर्व कोई नियोजित और कोई प्लानिंग नहीं था, परंतु स्वप्न के द्वारा हमें तुरंत सूचना मिल गई थी कुछ न कुछ शुभ घटित होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य, सुबह शुभ जो होता है तो हम लोग, सूचनाएं होती है, सूचना के अनुसार अगले समय को जानने का एक विधि होती है, और उससे जो है आपका जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो अब मैं ज्यादा ना कहते हुए, कल जो है कौन से तारीख को, यानी कौन से तिथि को देखने से शुभ होता है, कौन से तिथि को न देखने से अशुभ होता है, इन चीजों पर चर्चा कल करता हूँ। अभी आइए, आज का जो है विषय लेते हैं शांतिदार, आप सबके नाम पर कल आपको सभी परिवार कुटुंब के साथ आना है, विशेष सबको जोड़ना है, कल का शांतिदार विशेष रहेगा, और सभी लोग 24 पुष्प लेके आना है, और एक एक फल लेके आना है, फलम प्रदाता शुभ फलम, जो फल को प्रदान करता है भगवानों को, उसको शुभ अनेक अनेक फल की प्राप्ति करता है।